पूर्णिमा है। शिवाय दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बुद्धि, व्यापार और धन के कारक बुधदेव वक्री होने वाले हैं, तो इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 13 दिसंबर 2023 की दोपहर 12:01 पर बुधदेव धनु राशि में वक्री हो रहे हैं और 2 जनवरी 2024 तक बुध धनु राशि में वक्री अवस्था में मौजूद रहने वाले हैं। ऐसे में सभी राशि वाले जातकों के जीवन में बुध अलग अलग प्रभाव डालने वाले हैं। इसका मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा प्रभाव दिखाई देगा, हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। किन किन क्षेत्रों में बुधदेव आपको सकारात्मकता देने वाले हैं और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। देखिए, बुध के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, मिथुन राशि वाले जातकों, बुधदेव जैसा कि आपको पता है कि आपकी राशि और कन्या राशि के स्वामी माने जाते हैं। बुध को वाणी, बुद्धि, तर्क शक्ति, संवाद शैली, गणित, चतुराई, ननिहाल पक्ष, इन सब विषयों का कारक माना जाता है, यानी इन सभी क्षेत्रों पर बुध का ही प्रतिनिधित्व होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुधदेव अगर किसी भी व्यक्ति की कुंडली पर बलवान और मजबूत अवस्था में विराजित हो, बौद्धिक रूप से जातक को मजबूत बनाते हैं, अच्छा संचार कौशल देते हैं, अधिक उम्र होने के बावजूद भी जातक कम उम्र का दिखाई देता है, बुध बलवान हो तो कॉमर्स, बैंकिंग, शिक्षा, लेखन, पत्रकारिता, मीडिया लाइन, कथा वाचन, वाणी से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य हो, इन सभी क्षेत्रों में बुधदेव विशेष उपलब्धि और सफलता प्रदान करते हैं। बुध के पीड़ित होने पर समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बुध अगर जन्म कुंडली पर पीड़ित हो जाए तो गणित जैसे विषयों में जातक काफी कमजोर होता है। बुध के पीड़ित होने पर नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई प्रॉब्लम, नाक कान गले से जुड़ी हुई समस्या, चर्म रोग की बीमारी, बोलने में समस्या होती है, आर्थिक संकटों का सामना भी जीवन में करना पड़ता है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि बुधदेव अग्नि तत्वी राशि धनु राशि में जाकर आपके जीवन में कैसा प्रभाव देने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों, यह फलादेश आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। बुध आपके राशि और आपके राशि के सुख भाव के स्वामी यानी चतुर्थ भाव के स्वामी माने जाते हैं। 13 दिसंबर को आपके सप्तम भाव पर वक्री होने वाले हैं। कुंडली का सप्तम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है, इसे केंद्र कहते हैं। इस भाव से बिजनेस पार्टनरशिप, जीवन साथी, दैनिक व्यवसाय, दैनिक प्रत्यक्ष शत्रु, इन सब विषयों के बारे में विचार करते हैं। बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, वक्री अवस्था में हो रहे हैं, तो आपके जीवन में कई प्रकार का मिला जुला प्रभाव आपको प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले इस समयावधि में मिथुन राशि वाले जातकों को वर्क प्लेस पर समझदारी पूर्वक काम लेने की आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप किसी प्रकार के कार्य व्यवसाय का बदलाव कर रहे हैं, नौकरी का बदलाव कर रहे हैं, व्यापार का बदलाव कर रहे हैं, सावधानी पूर्वक चलें। उसके साथ साथ यदि आप कोई पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, विशेष गलतफहमी की संभावना भी आपको निर्मित हो सकती है। बकरी बुध के प्रभाव से पारिवारिक जीवन को लेकर जिम्मेदारी और दबाव आपके जीवन में बढ़ने वाला है। यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों, बुध आपके राशि के स्वामी हैं, वक्री होंगे तो आपके मन में चंचलता को बढ़ाएंगे और सेहत से संबंधित उतार चढ़ाव भी आपको मिल सकता है। यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी रखनी चाहिए, खान पान की आदत का विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वहीं मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लापरवाही पूर्वक
वाहन चलाने से भी बचना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करें। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को, टू व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको हेलमेट प्रयोग करना चाहिए, फोर व्हीलर व्हीकल चला रहे हैं तो आपको सीट बेल्ट जरूर बांधना चाहिए। जीवन साथी को लेकर भी इस समयावधि में सावधानी रखनी चाहिए। वैवाहिक भाव पर बुध का वक्री प्रभाव आपके जीवन में बार बार वाद विवाद की स्थितियां वैवाहिक जीवन में आपको दे सकता है। यहां पर मिथुन राशि वाले जातकों को सावधानी बनाकर चलना होगा। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों को बुध जनित शुभता को अर्जित करने के लिए राशि के स्वामी बुध के बीज मंत्र ओम बुम बुधाय नमः नामक मंत्र का जप करना काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मिथुन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में गणपति की आराधना करना, गणपति के ऊपर दूर्वा अर्पित करना काफी बेहतर रहेगा। उत्तम क्वालिटी का यदि आप पन्ना धारण करते हैं कनिष्ठा उंगली में तो भी आपके जीवन में यह समय आपको शुभता प्रदान करने वाला है। उम्मीद है यह जानकारी मिथुन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं इस चैनल से आप जरूर जुड़ें। ओम नमः शिवाय।